लोकसभा राष्ट्रपति अभिभाषण पर जवाब रखिंट प्रधानमंत्री विरोधी बर्षिं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी विरोधी को टार्गेट कर किसी निराशावादी लोक देशर प्रगति को स्वीकार करपरी गरीब लोक निकट में बीजेपी सरकार विभिन्न योजना पहुंचाई प्रधानमंत्री भारत में आगु अस्थिरता थिला हेले एबे स्थिरता आसी 140 कोटी जनता मोर सुरक्षा कवच बोली प्रधानमंत्री विपक्ष को ईडी एकाठी करथिबा कहिसेंती मोदी ईडी जांच समस्त को गोटे मंच में एकाठी करथिबा से महाराष्ट्र शिवसेनार उद्धव और शिंदे गोष्ठी मुख्य लगातार शीतल युद्ध लगी रही है यार भितर हटहटा होगा पड़ी शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र औरंगाबाद निकटे आदित्य ठाकरे का कारकेड उपरको पत्थर फोपड़ा जाइथिबा अभियोग होइछे किछि युवक आदित्य ठाकरे का गाड़ी आगो को आसी अटकाइबाकु चेष्टा करथिले स्थानीय अंचल रे किछि समय चिंताजनक परिस्थिति सृष्टि होइथिला या सत्वे आदित्य निज कार्यक्रम रे जोग देथिले अन्यपटे संपृक्त घटनार डीजीपी जांच करिवे बोली कहिछन्ते महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टार्गेट करिछन्ते महाराष्ट्र वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई उपकूल रास्तार हजार हजार मत्स्यजीवी दावी को ठाकरे नजर अंदाज कर अभियोग दक्षिण मुंबईर आदित्य ठाकरे निर्वाचन मंडल में उद्धव ठाकरे विरोध में मत्स्यजीवी संप्रदायर एक जनसभा रणहुंकार एकनाथ शिंदे मुंबई और महाराष्ट्र गोटे इंच जगह क्या दिजा शिंदे दीर्घदिन धरी मत्स्यजीवी तरफ होता दावी को बोली कही मास्टर स्ट्रोक खेलते शिंदे त्रिपुरा निर्वाचन आगको बेले राजनीति सरगरम ममता बानर्जी भी निर्वाचन पर अंटा भिड़ी ममता बानर्जी त्रिपुरा रे पदयात्रा सहित जनसभा कर समय पुतरा अभिषेक बानर्जी भी पदयात्रा रे सामिल होते जनसभा रे कांग्रेस सीपीएम बीजेपी को निशाना कर ममता झारखंड गिरिध जिलार खंदोली जंगल जड़े 18 वर्षीय युवकों अधापोड़ा शव मिली युवकों नाम विशाल कुमार सिंह बोली जमापड़ मृतदेह मिलवा पर स्थानीय अंचल में प्रतिवाद देखा मिली अन्यपटे प्रशासन विरोध में बर्षि स्थानीय बासिंदा युवकों हत्या करापड़ा पर पुलिस तदंत आरंभ कर उत्तर प्रदेश मथुरार एक बेआईन मद चलाणकारी को गिरफ्त कर मथुरा पुलिस जबत मदर दाम प्राय 26,81,000 बेआईन मद चलाणकारी लगातार कार्यानुष्ठान ग्रहण कर मथुरा पुलिस अधिकारी यूपी प्रयागराज में पवित्र माघ मेला अवसर में बुड़ पक शह श्रद्धा जनवरी 6 चलित बर्ष माघ मेला आरंभ हो अवसर में गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम श्रद्धालुं बेस भिड़ देखा मिली दिल्लीर मायपुरी थाना अंचल में एक पॉकेट मार लुटेरा द्वारा छुरी आक्रमण फल पुलिस एएसआई शंभु दयाल देहांत होता जड़े महिला निकट फोन लुट अभोग तदंत भार शंभु दयाल को दिया आसामी को धरी थाना को आने समय आरोपी द्वारा छुरी में बारंबार आक्रमण शिकार हो पुलिस अधिकारी जीवन जा यह घटन पुलिस अधिकारी साहस को राजधानी सहित देशव्यापी प्रशंसा करमती कि 1 कोटी सहायता राशि घोषणा करते दिल्ली मुख्यमंत्री आज शंभु दयाल को परिवार को भेट समबेदना जन सहित सहायता राशि देखते केजरीवाल अदानी विवाद को नहीं गतका संसद में प्रधानमंत्री को टार्गेट करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी अदानी नियम बदला जाता तथा मोदी और अदानी एक फोटो देखा राहुल अनेक अभियोग आनी अंपटे राहुल को आज संसद में टार्गेट करते बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद टर्की और सीरिया रे भयंकर भूमिकंप पर गला 11,000 अधिक जीवन एवं भी ध्वंसस्तूप तले फसी हजार हजार लोक सामनाक आसी भूकंप पर छातीथरा दृश्य कंक्रीट चादर तले प्रति मुहूर्त में चली मृत्यु सहित संग्राम केवल दृश्यर विचलित न हो उद्धारकारी दल जीवन खोजिबारे लागि पड़िछन्ति गोटे दुईट स्थान में नुहे टर्कीर 10टी प्रदेश में यह संघर्ष जारी रही मृत्यु संख्या आगक आहरी बढ़िबा नहीं आशंका भी रही पखापाखि 20,000 यह टपिब डब्ल्यूएचओ आकलन कर भूकंप पर प्राय 312 थर भूकंप झटका अनुभूत हो क्षयतिर अति भीषण रूप देखा मिली सबुठ भय हाहाकार परिस्थिति घर हर रास्ताकड़ को आसी लोक शीतरे थरुवा बेले घरे लोक भूकंप भय घरे रही पारना
ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଇଏମ୍ଆଇ ସୁଧ ହାର ମହଙ୍ଗା ହେବ ଋଣ ପୁଣି ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇଲା ଆର୍ବିଆଇ ବୁଧବାର ରେପୋ ରେଟ୍ 0.25% ବଢ଼ାଇଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫଳରେ ରେପୋ ରେଟ୍ 6.5% ଛୁଇଁଛି ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ହୋମ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ମହଙ୍ଗା ହେବ ଋଣ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇଏମ୍ଆଇ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ମନିଟରୀ ପଲିସି କମିଟିକୁ ଆର୍ବିଆଇ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ଆର୍ବିଆଇ ବୋର୍ଡର 6 ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ମନିଟରୀ କମିଟିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଲଗାତାର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଆରି ଭିତରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼ାଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପରିବହନ ବିଭାଗ ବସ୍ ଭଡ଼ାର 24% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଯାହା ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ କେରଳ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ରଣହୁଙ୍କାର ପୁଲିସ୍ ତରଫରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଖେଳିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ନାଗପୁରର ବେଦର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅବସରରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପିଚ୍ ଏବଂ ପୂରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ ସିରିଜ୍କୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା